नौजवान उठ के बोला, रिजर्वेशन का क्या हुआ? बोले बैठो बैठो, हम तुम्हारे गुने तुम्हारे बाप को बोलते हैं। बोले बैठो बैठो, हम तुम्हारे गुने तुम्हारे बाप को बोलते हैं। बोले बात करते, बैठो खामोश बैठो, वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। वाटेवाड़ 12% वाड़ेवाड़ चुपता कदरा भाई, तुंदर पड़ता, बैठो खामोश बैठो, बोलो बैठो बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है, तमाशा कर रहे? नहीं नहीं मत है बाबू, इधर उंटर का आड़ो आड़ो उंटर। जमीयतुल उलमा मुतालिबा कर रही है तेलंगाना की हुकूमत और अपोजिशन जमातों से कि जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया है वो रिजर्वेशन के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए, वो 4% रिजर्वेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए आप क्या अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं, उसका जवाब चाहिए। जो दिया गया 4% रिजर्वेशन, नए की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम करना भी गलत, आप देते भी नहीं, आप बोलना भी गलत, इस वास्ते नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो आप 12 बोले थे, हम भी भूल गए, आप भी भूल जाओ, जाओ है ना, हम भी भूल जाओ, आप भी भूल जाएंगे, भूल जाओ, छोड़ दो, 12% बोले थे ना आप। अब मुसलमान हिम्मत नहीं कर रहा वो पूछने के वास्ते, कहीं को बोलते हो, ये हमारे मुअज्जिज आली जनाब बड़े साबिर कर रहे थे, एक नौजवान उठ के बोला, रिजर्वेशन का क्या हुआ? बोले बैठो बैठो, हम तुम्हारे गुने तुम्हारे बाप को बोलते हैं। बोले बेइज्जती कर दिए कौम की, उसके बावजूद कौम खामोश बैठी रही, क्योंकि तेलंगाना से मोहब्बत है, इस अमन की जमीन से मोहब्बत है, इसी वजह से हम खामोश रहे। लेकिन अब यह मौका ऐसा है जहां हमको बोलना है और आपको सुनना है, क्योंकि आप इलेक्शन के बाद आपके कान बंद हो जाएंगे, हम बोलते बोलते थक जाएंगे, जैसे पिछले 10 साल से थक गए हम बोलते बोलते। तो यह मुतालिबात जमीयत उलमा पेश कर रही है, 4% रिजर्वेशन जो पहले से मौजूद है उसके तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए और अपोजिशन जमातों को देना चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो 30 नवंबर तो आना ही है ना, आना है ना, 30 नवंबर आना है ना, घरों से निकल के वोट डालना है, जब बोलेंगे अपन इंशाल्लाह।